बाढ़ग्रस्तों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना की ओर से दिग्रस शहर में मोर्चा निकाला गया। पूर्व क्रीड़ा राज्य मंत्री संजय देशमुख की अगुवाई में तहसील कार्यालय पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों के साथ सर्वे तथा मदद वितरण में जारी अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मंगलवार को तहसील कार्यालय के प्रांगण में दिग्रस बाढ़ पीड़ितों के हुजूम ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संजय देशमुख, जो पूर्व क्रीड़ा राज्य मंत्री है और फिलहाल उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना के नेता है, उनके नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों का मोर्चा यहां पहुंचा था। इस मोर्चे में शामिल बाढ़ग्रस्त महिला और पुरुषों ने सर्वे में हुई गड़बड़ी और धांधली पर आक्रोश जताते हुए सर्वे करने वाले कर्मचारियों और तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर स्थानीय नेताओं और पूर्व क्रीड़ा राज्य मंत्री ने बाढ़ग्रस्तों के दोषपूर्ण सर्वे को दुरुस्त करने और मदद निधि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने, दुकानदारों और व्यवसायियों सहित किसानों के नुकसान का सर्वे कर बाढ़ पीड़ितों को तत्काल मदद प्रदान करने की मांग की। इस मौके पर देशमुख ने पालक मंत्री संजय राठौड़ पर भी कड़ा प्रहार किया। देवनगर ची आमची बंगला माया ते बिचारी आला, पालक मंत्री गोड़गोड गोष्टी केली आणि तिचंच नाव काय? अरे ज्या पालक मंत्र्यांना त्या मायाला सांगितलं की तुला या ठिकाणी आम्ही यादीत मध्ये घेऊतो, तुला न्याय देतो, ते माया आमची बिचारी रडली। काळजी करू नको माया बाई, तुझा भाऊ आणि या ठिकाणी असलेले हजारो भाऊ आम्ही खिशातून तुला मदत केल्याशिवाय राहणार नाही। इस दौरान पूर्व उपनगर अध्यक्ष अजिंक्य मात्रे ने 952 घरकुल के मुद्दे का खंडन करते हुए सत्ताधारियों पर निशाना साधा। वहीं शिवसेना के जिला प्रमुख प्रवीण शिंदे ने भी दोषपूर्ण सर्वे के मुद्दे पर तहसील प्रशासन को आड़े हाथों लिया। महत्त्वाचा मुद्दा मी इथे बोलू इच्छितो की 952 घरकुलाचा विषय विरोधक आरोप लावत आहे की हा संजय भाऊ देशमुख यांच्या काळात झाला होता, असा झाला होता, तसा झाला होता। परंतु माझं एवढंच म्हणणं आहे की इथून 10-15 वर्ष तुमच्या हातात ही सत्ता होती, मग जर गुन्हेगार कोणी असेल त्याला जेलात टाका ना तुम्ही। आमचं सगळ्याचं समर्थन आहे त्यासाठी आणि हे माझ्या हातात ठराव आहे नगरपालिकेचा। हे 2019 मध्ये घेतलेला ठराव आहे, याच्यात 952 घरकुलाची चौकशी समिती नेमा असा याच्यात ठराव झालेला आहे। मग चौकशी समिती नेमल्यानंतरही जर कलेक्टर साहेब याच्यावर काही कारवाई करत नसल तर कुठेतरी झाकलीमूठ 1.25 लाखाची राहू द्या। काय देवाणघेवाण झालं हे आम्हाला सर्वांना माहिती आहे। मी प्रशासनाला इथल्या तहसीलदार साहेबांना एकच सांगेन की साहेब तोंड पाहून किंवा इथल्या पालकमंत्र्याच्या चलेचपाटेच्या सांगण्यावरून चुकून हे सर्वे करू नका, कारण लाभार्थी हा कोण्या एका पक्षाचा किंवा कोण्या एका नात्याचा असू शकत नाही। इस दौरान यवतमाल जिले के SDM कार्तिकेयन को ज्ञापन सौंपा गया। SDM कार्तिकेयन ने भी ज्ञापन में दर्ज मांगों को संज्ञान में लेते हुए बतौर प्रशासक विभिन्न सवालों के जवाब दिए। तुम्हाला हा विषय माहिती आहे की दिग्रस मध्ये इतिहास इतके पूर झाला नाही, इतके पूर झालेली आहे, त्यामुळे पूर्ण कर्मचारी कृषी सहायक मतलब अग्रिकल्चर विभाग, नगरपालिका, BDO सगळे लोक कामवर आहे। आज महसूल दिन पण इतकेही सेलिब्रेट झाला नाही, छोट्या पद्धतीने सेलिब्रेट केलेले क्योंकि लोकांचं नुकसान झालेलं आहे, त्यामुळे आता आपण जास्त पद्धतीने सेलिब्रेट पण केलं नाही। आता पहिला पंचनामा झालेली आहे, आपण त्यांना वाटप पण केलेली आहे, 27 लोकांच्या आपण 5,000 रुपये वाटप केलेली आहे। आता एक कंप्लेंट अशा आलेली आहे की जिने भेटायला पाहिजे ते भेटलं नाही म्हणून त्यांना पण चौकशी करतो, बरोबर चौकशी करतो। आणि आता मागणी पण आलेली आहे की अंशुता नुकसानला पण पैसे द्यायचे म्हणून आता हे मागणी पण घेतलेली आहे, चौकशी करतो। प्रत्येक कंप्लेंट्सवर मी इथं चौकशी करतो, चौकशी करून निर्णय घेतो। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिग्रस शहर के तहसील प्रांगण में पहुंचा यह मोर्चा और इस मोर्चे में शामिल बाढ़ग्रस्तों का आक्रोश स्पष्ट रूप से बताता है कि कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन के सर्वे में कुछ धांधली या गड़बड़ी हुई है और वक्त रहते इन धांधलियों को, इन गड़बड़ियों को दूर करना समय की मांग है। पूर्व क्रीड़ा राज्य मंत्री संजय देशमुख के नेतृत्व में आज तहसील कार्यालय पर मोर्चा आया था। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित शामिल थे। वो बाढ़ पीड़ित थे जिनका नाम जो सर्वे हुआ था उस लिस्ट में नहीं था और वो कहीं ना कहीं लाभ से वंचित थे। यहाँ पर आकर जो बाढ़ पीड़ित है उन्होंने अपने पर हुए अन्याय को लेकर आवाज बुलंद की और संजय देशमुख ने भी
एसडीएम कार्तिकेयन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसके बाद में कार्तिकेयन ने संजय देशमुख को और यहाँ पर जो तमाम बाढ़ पीड़ित मौजूद थे उन्हें आश्वासन दिलाया कि सर्वे में जो खामियां हुई है उसको दूर किया जाएगा और जो असल लाभार्थी है उनको असल मायनों में लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन हर स्तर पर यहाँ पर प्रयास करेगा, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि 10,000 की जो मदद जो बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने वाली थी उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं और संभ्रम शहर भर में फैला हुआ था, उस पर भी उन्होंने उस बात से पर्दा उठाया और कहा कि जैसे ही जिला स्तर पर इसको लेकर कोई घोषणा होगी या कोई आदेश जारी होगा तो वो भी जल्द से जल्द 10,000 रुपये मदद निधि देने के लिए प्रयास करेंगे। इन बी सी एन न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान।